हाय मेरे फ्रेंड दोस्तों, मैं फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैसेज ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसी सीरीज नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सामने एक 5 से 125 कैसे बना, तो 7 से क्या बनेगा। ऑप्शन आप सामने 130, 142, 343, 739, चार ऑप्शन हमने, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत ज़रूरी है ना, तो 5 से 125 कैसे बना ये देखना है। देखो तो 5 के अगर क्यूब करें तो हो जाता है 125। इसी तरह अगर 7 को देखेंगे तो 7 का अगर क्यूब करें तो होगा 343। तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो इस तरह से बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस वाले को बताइए आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दिख रहा है। देखिए 12 से 27 बने, कैसे बने वो देखिए। 12 27 कैसे बना सकते हैं, 12 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कि 1 प्लस अगर 2 करें तो कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। ठीक है, 1 और 2 की संख्या हो जाता है, कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अगर 3 का क्यूब करें तो कितना होगा 27 होगा। इसी तरह 1 प्लस अगर 3 देखते हैं तो कितना होगा 4। 4 का अगर क्यूब करें तो 64, जो सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। हाँ, क्योंकि यहाँ तक ही इसमें दिख रहा है ना, इधर वाली बॉर्डर नहीं दिख रही है, आप लगभग ठीक है। अब दिख रहा है, यानी कि ये यहाँ तक ही बस, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पच्चीस से देखते हैं, 100 बना, 26 से क्या बनेगा, 100, 121, 144, 130। अब इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। देखो 25 से 100 कैसे बना, आपको बताना है 25 से 100 कैसे बना। 26 से क्या बनेगा, 25 से 100 बनाने के लिए क्या करना दोस्तों, अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो 25 चौक 100 हो जाता है। बिल्कुल होगा। यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24 का 4 असला 2 छिदम 12 13 14, बिल्कुल 144 राइट आंसर होगा। 26 चौके 144। एक तो ये ट्रिक से आ सकता है आंसर, है ना, एक और ट्रिक है इसके आंसर आने की, जो आपको मैं अगले वीडियो बता रहा हूँ। 25 चौके 100, 26 चौके 144। गलत, सॉरी।
अगर यहाँ चार से मल्टीप्लाई है, चार छंग 24 का, चार असला दो, चार दो आठ ने दो दस, 104 होता है, 104 यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये ट्रिक इसमें नहीं चल रही, कुछ दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये ट्रिक इसमें नहीं चल रही है। तो 25 से 100 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कुछ एक ट्रिक वो लगाते हैं। देखो ये 25 है तो 25 के जो दोनों अंक हैं इनको देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दें कि 2 × 5, 2 × 5 कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर करें तो 100 हो जाएगा। इसी तरह 26 को देखते हैं, 2 × 6, 6 × 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर होता, इस तरह से अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। तो इन दोनों की गुणा करके भी अपन आंसर ला सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक है, देखते जाइए। अगला, ऑप्शन होगा 47 और 4 ऑप्शन आप सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए 11 से 121 23 कैसे बना होगा, देखो 11 का स्क्वायर प्लस 2, 11 11 कितना 121 प्लस 2 बराबर 123। इसी तरह 7 का देखते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 2, साथ ही 49 प्लस 2 यानी कि 51। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दस से 36 बना पंद्रह से क्या बनने वाला, बहत्तर 81 70 और 49। दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लगेगा कि देखिए कैसे आंसर आया होगा। 36 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 × 30 प्लस 6 36 हो गया, 10 × 30 में 6 कितना हो गया 36 हो गया। इसी तरह 15 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 × 3 = 45 प्लस 6 = 51, जो किसी ऑप्शन में है या नहीं, नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो देखिए कौन सी ट्रिक यूज होगी, ट्रिक तो है कुछ ना कुछ तो है, देखिए तो ट्रिक देखते हैं। दस से 36 लाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, 36 को देखते हैं, 36 कैसे बना, एक वर्ग संख्या तो है। तो दोस्तों ये 6 का स्क्वायर है। तो 6 कैसे बना 10 में से, अगर 10 में से यहाँ पे 4 माइनस करा तो बचा कितना 6, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, है ना। अगर इसी तरह अगर 15 में से अगर 4 माइनस करते तो कितना बचता है 11 बचता है, और 11 का स्क्वायर 121,
तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, 121 राइट आंसर। वहाँ पे भी चार कम करना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। आप इस वाले में आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये चार ऑप्शन ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो कितना होगा, दो बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इतना इतना आने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीक से नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ और ट्रिक होगी, देखते हैं। अगर ऐसे तिरछा देखते हैं इसको, तो 5 से 130 बनने में क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस अगर 5, तो 5 बजे 125 प्लस 5, 125 प्लस 5 बराबर 130 आ गया। 7 से यहाँ देखते हैं, तो 7 का क्यूब प्लस, इसने यही 5 जोड़ा, अपन भी यही 7 जोड़ते हैं, तो 7 का क्यूब 343 प्लस 7 जोड़े तो 350, जो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा, नहीं आ रहे ना, कुछ और ट्रिक होगी। ट्रिक क्या होगी दोस्तों, यदि इसमें अगर 5 जोड़ा तो आप भी यहाँ 5 ऐड कर दीजिए ना, इसने 5 जोड़ा आप भी 5 जोड़ दीजिए, आप काहे को 7 जोड़ते हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो इसने 5 जोड़ा, अपन भी 5 जोड़े, तो 3 में 5 8, 348 जो 348, तो डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इस तरीके से भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। दो तीन पाँच सात ग्यारह क्या है बताइए, इस सीरीज का अगला अंक क्या होगा। दो से तीन बनाने में एक जोड़ा, यहाँ दो जोड़े, यहाँ पे भी दो जोड़े, यहाँ पे चार जोड़े, यानी कि बराबर इक्वेशन में नहीं आ रहा है, सीरियल में नहीं आ रहा है, एक सीरियल से नहीं जुड़ रहा, कुछ कम ज़्यादा जुड़ रहा है, यहाँ एक जुड़ा फिर आगे एक ज्यादा जुड़ा, तो दोस्तों नहीं आ रहा है, लेकिन संख्या तो है, ऑप्शन आप सामने 15, 13, 17, 18 चार ऑप्शन आप सामने। तो दोस्तों ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 या 9 नहीं आया बीच में, विषम संख्या नहीं होगी, तो 13 के बाद 11 के बाद क्या होगा, 13 इज द राइट आंसर। तायोग के समझ में आ गया होगा। अगला देखिए,
देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, इसका आंसर बताइए। देखो यहाँ पे 26 कैसे बना होगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। चलो 9 दून 18 81 100 और 122, कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा कमेंट कीजिए। देखो 26 कैसे बना कि 2 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ, 5, 5 का स्क्वायर 25 और 1 प्लस किया तो 26 हो गया। इसी तरह इनको जोड़ा 6 ने कितना हुआ, 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 और 1 50। इसी तरह इनको जोड़ा 5 ने 3 8 का स्क्वायर प्लस 1 81 88 64 और 1 65। इसी तरह इनको ऐड करेंगे 9 2 11 तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 11 11 121 प्लस 1 बराबर 122, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। संख्या को जोड़कर एक जोड़कर उसका वर्ग किया और एक प्लस किया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। छब्बीस से 8 45 से क्या बनेगा, 8 9 7 12 ढूंढी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 से 8 कैसे बना, पर बहुत छोटी संख्या बन रही है, कुछ ना कुछ तो ट्रिक ऐसे लगाइए जो छोटी संख्या आती हो। किस ट्रिक में छोटी संख्या बनती हो ये देखो, 8 का स्क्वायर ये है नहीं, है ना, इधर से आते इधर से भी आ सकते अपन। तो देखो यहाँ से 8 तक जाने में इसका 2 + 6 किया तो 8 हो गया, बीजांक जिसको बोलते हैं बीजांक, 6 + 2 = 8 हो गया। इसी तरह इसका देखते हैं कि 4 + 5 = 9 हो गया, जो ये वाला राइट आंसर। आई होप कि सुनने आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन कमेंट आंसर के लिए देते हैं आपको। आज का क्वेश्चन रहेगा, देखो फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है 0 2 6 और 12 20 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन आप सामने 36 32 30, ये 4 ऑप्शन आप सामने। तो दोस्तों इसके लिए कमेंट जरूर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू दोस्तों, और आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।